हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ टी टाइम स्नैक्स की, जो कि टमाटर से बनेगी और इसका नाम है रेसिपी का टमाटर वड़ा। बहुत ही टेस्टी लगता है और एक बार जरूर ट्राई करेगा इस तरीके से टमाटर की रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी टमाटर वड़ा की। टमाटर का वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले धनिया की, फ्रेश हरे धनिया पत्ते की चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने धनिया पत्ता को अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 बार पानी से, इसको ग्राइंडिंग जार में ऐड किया। साथ ही ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां और टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैंने 8 से 10 के करीब हरी मिर्च ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच से आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच से काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच से वाइट रेगुलर जो सॉल्ट होती है उसको ऐड करेंगे, मतलब आधा काला नमक और आधा रेगुलर वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे ताकि ये इजीली पीस सके। अब इसको पीस लेना है, हमें चटनी तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हरी मिर्च की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चटनी चूँकि थोड़ा तीखी बनेगी ना, तो काफ़ी टेस्ट आएगा टमाटर के वड़े में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा तीखा रखा है, इसको ज़्यादा मिर्च ऐड किया है। बट आप कम खाते हैं तो कम ऐड करें हरी मिर्च। चटनी पीस गई, अब इसको क्या करेंगे, ग्राइंडिंग जार से 1 कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साइड में रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में अब बैटर तैयार करेंगे बेसन का। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने ऐड किया 1 कप के करीब बेसन। इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले मिलाएंगे और चटपटा बनाएंगे इस बैटर को। तो 1 कप बेसन ऐड करने के बाद इसमें 1/2 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर पहले ऐड करेंगे और यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर या तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चटनी में हरी मिर्च हमने ज़्यादा डाली है। तो यहाँ पे आपको अगर टेस्ट खाना पसंद करते हैं ज़्यादा तीखा तो ही यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1 छोटी चम्मच से यहाँ पे नमक ऐड किया, रेगुलर सॉल्ट जो वाइट वाली होती है उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक हमें सेमी थिक बैटर तैयार करना है। मतलब इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो बैटर बनेगा ना, ये एक मतलब थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, सेमी थिक बोल सकते हैं, और पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसके ऊपर टमाटर जब हम डीप करेंगे तो मतलब चिपकेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो बैटर होगा ना, इस तरीके से कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं मैंने जैसे तैयार किया है, इतना थिक होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। साइड में किया मैंने वो बैटर तैयार करके, और इसके बाद यहाँ पे मैंने पहले से ही टमाटर को कट करके रखा है स्लाइसेज में, लंबे शेप में। आप चाहें तो इसको गोल भी कट कर सकते हैं, तो मैंने लंबे लंबे कट किए हैं। और इसके आप स्लाइसेज के ऊपर टमाटर के एक एक स्लाइसेज लेंगे और ये जो हरे धनिया की चटनी तैयार की थी इसको इसके ऊपर लगाएंगे चम्मच से। तो एक चम्मच या 1/2 चम्मच ले कर चटनी को और स्लाइस के ऊपर इस तरह से फैला देंगे, इस तरीके से। और जब ये फैला देंगे उसके बाद दूसरा स्लाइस लेंगे टमाटर का और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे, मतलब चटनी को सील कर देंगे एक तरह से बोल सकते हैं। इस तरह से हमें टमाटर और चटनी को बना लेना है, मतलब 2 स्लाइस के बीच में, टमाटर के स्लाइस के बीच में चटनी को हमें रखना है। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे बना लेने हैं, टमाटर के स्लाइसेज के ऊपर चटनी रख देंगे, दूसरे स्लाइस से इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे। इस तरीके से टमाटर का वड़ा बनाएंगे ना, तो जिसको टमाटर नहीं भी पसंद है ना वो खाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप दाल चावल के साथ एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं, या फिर शाम के समय चाय के साथ भी इसको बना सकते हैं, या फिर आपको जब भी हल्की फुल्की भूख लगी है, कुछ तला भुना खाना है तो इसको बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मैंने सारे के सारे बना लिए, अब इसको क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे। और ये जो बेसन का बैटर तैयार किया था एक एक स्लाइस को लेके, और टमाटर के जो हमने चटनी लगा के रखे थे, तो एक एक पीस को लेके डीप करेंगे इसमें, बेसन के बैटर में और तेल में डायरेक्टली डालते जाएंगे।
मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई में जितना आ सके उतना एक बार में डालेंगे। पहले नीचे से सेट होने देंगे, जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद इसको उलट पुलट करके और दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे और हल्का सा कुरकुरा होने तक हमें इसको पकाना है। जब ये पक जाए तब हल्का सा फ्लेम को तेज़ कर देंगे, फुल कर देंगे और क्रिस्पी कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसको आप कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। पहला बैच हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने सारे के सारे डीप फ्राई कर लेने हैं। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से टमाटर का वड़ा चटनी के साथ, चटनी स्टफ़ टमाटर वड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही क्विक इजी एंड सिंपल रेसिपीज़ के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे फ्राई कर लिए। इसको अब प्लेटिंग कर लेंगे, सर्व कर लेंगे। तो इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, मीठी चटनी, या फिर साइड डिश दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।